बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए झटपट तैयार होने वाली ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिसको आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, टी टाइम में, इवन बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बनानी बहुत आसान है। ब्रेड्स को हमने क्यूब्स में काट लिया है और यहाँ पर हम लेंगे 4 अदद अंडे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऐसी रेसिपी है कि अगर आप ध्यान से इसको देखें, जिसको भी आप ये बना के देंगे इंशाल्लाह उसकी तारीफ ज़रूर करेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा पैन लेंगे और इन क्यूब्स को जिनको हमने अभी बनाया था यहाँ पे हम रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको पकाएंगे तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में ही आपको इस तरह से गोल्डन होना नज़र आ जाएंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत, जब इस तरह का ये हो जाएगा दोनों साइड या एक साइड से, तो फिर आपने इनको निकाल के खुली हवा में रख लेना है ताकि ये खस्ता हो जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट 3 से 4 टेबलस्पून हम लेंगे कुकिंग ऑयल का और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। इसमें लेंगे एक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, ये लीजिए। प्याली को इसे साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब हमने इस प्याज को ब्राउन नहीं करना ना गोल्डन करना, जस्ट इसका कच्चापन दूर करेंगे। और ये देखें जब ये थोड़ा सा पक के ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और एक खूबसूरत सा रेड कलर का इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम इन सब्जियों को जस्ट सौते करेंगे, ठीक है। इनकी आपने कंप्लीट पकाई बिल्कुल भी नहीं करनी, खड़ा खड़ा रखना है। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी। याद रखिएगा इसमें 4 अंडे जाने हैं, ब्रेड भी जानी है, तो इतने मसाले इसके अंदर ज़रूर जाएंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च है और ये हल्दी है, ये 1/2 टीस्पून जाएगी। ज़ीरा भी इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून टेस्ट फ्लेवर खुशबू के लिए। अब हम इसको एक दफ़ा कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। चलें जी, यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है और बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अंडे जिनको हमने तोड़ के अच्छे से फेंट लिया था उसको इसमें ऐड करेंगे और इसका थोड़ा सा हिस्सा हम बचा लेंगे। क्यों, ये आगे जाके देखेंगे क्यों। यहाँ पे आपने इसको बड़े बड़े साइजेस में नहीं रहने देना, आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये जो अंडे हैं ये छोटे छोटे साइज में डिवाइड हों, ठीक है। इनको हमने बड़े पीसेस में नहीं रखना, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये देखिए आप, दानेदार सा बन गया। अब ये जो ब्रेड क्यूब्स थे जिनको हमने खुली हवा में रखा था, जो कि काफ़ी खस्ता हो चुके हैं, काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं, उसको ऐड करेंगे। इसमें एक चुटकी नमक और काली मिर्च ऐड कर देंगे, बचे हुए अंडे में अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर लगनी है। अगर इसमें हम ये नमक नहीं डालेंगे तो टेस्ट जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेड के ऊपर इनको डाल देंगे ताकि ब्रेड के ऊपर भी अच्छा सा फ्लेवर आए, नीचे वाला अंडा तो इसके साथ नहीं अब ऐड होगा। अब आपने इसकी पकाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आराम के साथ, क्योंकि ये अंडा भी हमने कंप्लीट पकाना है, ठीक हो गया। तो इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये टेस्टी तो होता ही है, ये खूबसूरत भी बहुत लगता है। ये वाली जो रेसिपी ना खूबसूरत भी बहुत लगती है। चलें जी, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो अंडा है ब्रेड के ऊपर ये भी इसी दम के दौरान अच्छे से पक जाए। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शनल चीज़ है ये, हमारे पास पेपरिका 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, कलर का बहुत शानदार काम करेगा। और ये है ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे खूबसूरती बहुत आ जाती है और जो ओरिगैनो है जो हम पिज़्ज़े में भी यूज़ करते हैं उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, जब ये जो ब्रेड के ऊपर अंडा हमने बाद में ऐड किया था वो अच्छे से पक जाएगा। एक पीस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये ड्राई हो चुका है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। अब आपने क्या करना है, ये लें जी, ये है हमारे पास हरा धनिया, ये इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। इस रेसिपी को मैं आपको बता दूं, आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शाम के टाइम टी टाइम जो होता है चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। गेस्ट अचानक आ जाएं उनके सामने भी ये सरप्राइजिंग सी रेसिपी होगी, ये आप उनके साथ सर्व कर सकते हैं। मतलब ये मल्टी पर्पसेस रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर्व करते हैं खूबसूरत सी प्लेट में और ये देखें आप इसकी क्या खूबसूरती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमते नेमती और बढ़ते चलिए उसने हमारे हाथ में हमारे घर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जान सारी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।